तो भाई लोग, ये है इन्फिनिक्स का जीरो 35G और ये है लाभा का अग्नि 25G। दोनों ही फोन आता है कर्व डिस्प्ले के साथ। दोनों ही फोन का बैक पैनल में आपको ग्लास बैक पैनल मिलता है, लेकिन इन्फिनिक्स है चाइनीज ब्रांड और लाभा है भाई इंडियन ब्रांड। और आज की इस वीडियो में दोनों फोन का भाई कंपेयर करने वाले हैं। दोनों ही फोन इंडिया पे धमाकेदार फीचर्स लाया है, लेकिन आज हम लोग डिस्कस करने वाले दोनों फोन में से कौन सा फोन बेस्ट है और कौन सा फोन आपको परचेस करना चाहिए। अगर आप भी कंफ्यूज हो तो वीडियो को एंड तक देखो। उससे पहले गाइस छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं, लाइक का टारगेट 1000 सेट करता हूं, उससे ज्यादा ही आप लोग कंप्लीट करवा दो। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले डिजाइन से। देखिए इन्फिनिक्स का डिजाइन देखोगे तो बहुत ही इस बार यूनिक किया है, देखने में काफी अच्छा लग रहा है। और इसका बैक पैनल आपको दो वेरिएंट में मिलता है, एक तो लेदर वाला है जिसमें आपको वीगन लेदर मिलता है गाइस, जिसमें ग्रीन कलर आपको मिलता है। और इसमें कैमरा मॉड्यूल थोड़ा सा अलग टाइप का है, देखने में काफी अच्छा लगता है, प्रीमियम डिजाइन आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। लेकिन यहां पर एक ग्लास वेरिएंट भी मिलता है दोस्तों, उसका जो कलर मिलता है वो गोल्डन कलर में मिलता है, उसका कैमरा मॉड्यूल थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। और उसका बैक पैनल में आपको गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। बट लाभा आपको सिंगल वेरिएंट दे रहा है दोस्तों, इसमें सिर्फ और सिर्फ ग्लास ही दे रहा है। और इसका ग्लास आपको स्काई टाइप का कलर या फिर ब्लू टाइप का कलर देखने को मिल रहा है बैक साइड में। और यहां पर राउंड सर्कल में आपको कैमरा मॉड्यूल मिलता है। लेकिन गाइस अगर आप यहां पर थिकनेस देखोगे तो साइड बाय साइड में आपको दिखा रहा हूं भाई, यहां पर इन्फिनिक्स बहुत ही पतला है, 7.9 mm का थिकनेस के साथ आया है। लेकिन अगर आप फ्रंट व्यू देखोगे तो दोनों ही फोन आता है कर्व डिस्प्ले के साथ। लेकिन अगर आप लाभा का फोन देखोगे थोड़ा ज्यादा ही मतलब कर्व ही आपको देखने को मिलता है, मतलब कर्व जो डिस्प्ले है ना वो थोड़ा ज्यादा आपको देखने को मिलता है लाभा का फोन में। इन्फिनिक्स में भी है तो इन्फिनिक्स में थोड़ा सा मुझे कम देखने को मिला। तो कर्व डिस्प्ले के मामले में लाभा आगे निकलता है। लेकिन गाइस दोनों ही फोन में एमोलेड डिस्प्ले है, सेंटर पंच होल आपको मिल जाता है, दोनों ही फोन का साइज लगभग आपको सेम मिलता है। और दोनों ही फोन में चीन और बेजल काफी कम रखा है, दोनों ही फोन में कलर काफी अच्छा निकाल के देता है। लेकिन यहां पर रिफ्रेश रेट में आपको फर्क देखने को मिलता है। इन्फिनिक्स देता है भाई 144 Hz का रिफ्रेश रेट जो कि बहुत ही ज्यादा है, लेकिन लाभा भाई 120 Hz का रिफ्रेश रेट दे रहा है। तो यहां पर अगर आप रिफ्रेश रेट देखोगे तो इन्फिनिक्स थोड़ा सा बेटर दे रहा है। बट अगर आप सिम स्लॉट देखोगे तो भाई दोनों ही फोन में आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है, मतलब एसडी कार्ड आप नहीं लगा सकते हो। और दोनों ही फोन आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ मिलता है, और दोनों ही फोन काफी अच्छा फोन को अनलॉक करके देता है बहुत ही ज्यादा फास्ट। लेकिन गाइस अगर आप स्पीकर देखोगे तो इन्फिनिक्स भाई आपको ड्यूल स्पीकर प्रोवाइड करता है जिसका साउंड क्वालिटी काफी बढ़िया है, लेकिन लाभा का फोन में आपको सिंगल स्पीकर मिलता है, उसका भी साउंड काफी अच्छा है बट उसमें सिंगल स्पीकर आपको दिया गया है। लेकिन गाइस जो यूजर एक्सपीरियंस हमें मिलता है ना वो भाई यूआई से हमें मिलता है। अब यहां पर जो यूआई भाई दोनों ही फोन में दिया गया है वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। इन्फिनिक्स का फोन में आपको जो यूआई मिलता है वो XOS के साथ आता है, एंड्रॉइड 13 में आपको कुछ ब्लॉटवेयर मिलता है और एड वगैरह भी आपको देखने को मिलता है, तो ये भाई क्लीन यूआई आपको नहीं देता है। और साथ में यहां पर अपडेट की बात करें तो इन्फिनिक्स ने कहा है कि भाई एक ही अपडेट मिलेगा, यानी एंड्रॉइड 14 तक ये जाएगा और 2 साल का सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा। लेकिन लाभा ने यहां पर प्रॉमिस किया है और काम भी करके दिखाया है, क्योंकि लाभा भाई यहां पर क्लीन यूआई दिया है, एक भी ब्लॉटवेयर आपको सिंगल ब्लॉटवेयर नहीं मिलता है, किसी भी तरह का एड आपको देखने को नहीं मिलता है। और साथ में दोस्तों अपडेट की बात करें तो 2 अपडेट मिलेगा, 14 और 15 तक अपडेट आपको मिलने वाला है एंड्रॉइड 15 तक, और साथ में 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा। और जी हाँ दोस्तों टाइम टू टाइम यहां पर हम लोग अपडेट भी देखा है लाभा का फोन में, मतलब लॉन्च होते ही अपडेट देना स्टार्ट हो गया था। तो यहां पर लाभा जी हाँ दोस्तों अपडेट के मामले में काफी आगे निकल जाता है और यहां पर क्लीन यूआई मिलता है जिसके वजह से यूजर एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहता है। और दोनों ही फोन को ऑलरेडी मैंने यूज किया है दोस्तों, दोनों ही फोन का अनबॉक्सिंग भी आपको चैनल पर मिल जाएगा और सारे रिव्यू मतलब टेस्ट वगैरह सब कुछ आपको चैनल पर मिल जाएगा, अगर आप चाहो तो जाके देख सकते हो। वैसे मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूं, उससे भी आपको पता चल जाएगा। बाकी दोनों ही फोन का जो बेस वेरिएंट आता है भाई 8GB 256GB के साथ आता है, लेकिन इन्फिनिक्स में भाई UFS 3.1 का स्टोरेज है और इन्फिनिक्स में एक 12GB 256GB वाला वेरिएंट भी मिलता है, लेकिन लाभा में आपको सिंगल वेरिएंट 8GB 256GB मिलता है। तो अगर आप बेस वेरिएंट के हिसाब से देखोगे तो भाई थोड़ा सा स्टोरेज टाइप ज्यादा बेटर दे रहा है भाई इन्फिनिक्स, लेकिन अगर आप कैपेसिटी देखोगे तो दोनों ही में सेम है। बाकी गाइस अगर आप चिपसेट देखोगे तो दोनों ही फोन में आपको अलग अलग चिपसेट भी मिलता है। लाभा देता है भाई यहां पर मीडियाटेक डायमेंसिटी 7050 का चिपसेट, जिसमें मैंने गेम वगैरह खेल के देखा है और डे टू डे हर एक काम मैं अभी कर रहा हूं, क्योंकि ये मेरा प्राइमरी मोबाइल है गाइस, मैं उसको अभी भी यूज कर रहा हूं, तो उसमें मुझे कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिला है, किसी भी तरह का हैंग या फिर लेगिंग या फिर हीटिंग प्रॉब्लम मुझे फेस नहीं हुआ है अभी तक, तो मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है। बाकी यहां पर 13 5G बैंड भी मिल जाता है, तो 5G भी काफी अच्छा मतलब सपोर्ट करता है, कोई दिक्कत मुझे फेस नहीं हुआ है। लेकिन इन्फिनिक्स का भी फोन को मैं पिछले कई दिनों से यूज कर रहा हूं, तो इन्फिनिक्स में भी भाई काफी अच्छा चिपसेट दिया है, डायमेंसिटी 8020 का चिपसेट है, जिसमें एक्चुअली गेमिंग के लिए काफी अच्छा है, इसका मैंने अंततः स्कोर निकाला था, काफी बढ़िया निकला था। और साथ में मैंने इसका BGMI टेस्ट भी चैनल पर डाला है, तो भाई एक्चुअली गेमिंग के लिए ये भी फोन काफी अच्छा है और इसमें भी यूजर एक्सपीरियंस काफी अच्छा निकाल के देता है। लेकिन गाइस क्लीन यूआई के होने की वजह से लाभा आपको थोड़ा सा बेटर एक्सपीरियंस निकाल के देता है, जैसे कि मैंने आपको बताया यूआई बहुत ही बड़ा एक मतलब चीज होता है और जिसके वजह से हमें क्लीन यूआई ज्यादा बेटर एक्सपीरियंस देता है, क्योंकि वहां पर ब्लॉटवेयर वगैरह नहीं रहता है, जिसके वजह से प्रोसेसर ना अच्छे से काम कर पाता है, ज्यादा लोड नहीं पड़ता है, तो ये चीज आपको देखना पड़ेगा। बाकी दोनों ही फोन भाई
पावर के मामले में काफी बढ़िया है, गेम काफी अच्छा खेल पाओगे और आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर बैटरी देखोगे, दोनों ही फोन में अलग अलग बैटरी है दोस्तों। इन्फिनिक्स दे रहा है 5000 mAh बैटरी, लेकिन यहाँ पर लाभा दे रहा है भाई 4700 mAh का बैटरी। अब अगर लाभा की बात करें गाइस, तो मैं इसको कर रहा हूं, तो मुझे यहाँ पर ज्यादा कुछ प्रॉब्लम मुझे फेस नहीं हुआ है। बैटरी काफी अच्छा बैकअप दे रहा है, मतलब एक दिन आराम से चल जा रहा है। लेकिन इन्फिनिक्स भी आपको एक दिन बैकअप निकाल के देगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब 66 वाट का चार्जर लाभा दे रहा है और 68 वाट का चार्जर आपको इन्फिनिक्स दे रहा है गाइस। तो यहाँ पर भाई मैं कहूंगा मतलब थोड़ा बहुत अंतर है, बहुत 19-20 का मैं कहूंगा, ज्यादा नहीं है। लेकिन गाइस प्राइस में भी अंतर आपको मिलता है। लाभा भाई देता है आपको 22,000 में, बट गाइस यहाँ पर इन्फिनिक्स दे रहा है भाई आपको बेस ब्रांड 8GB 256GB, वो दे रहा है भाई 24,000 में। इसमें भी आपको अंतर देखने को मिल रहा है, खास करके 2,000 का फर्क यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन कैमरा में भी आपको अंतर मिलेगा दोस्तों, जैसे कि इन्फिनिक्स का फोन में बैक साइड में 108 MP का ट्रिपल रियर कैमरा है, वहां पर 13 MP का एक मतलब अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस भी यूज किया गया है, जहां पर OIS आपको मिल जाता है गाइस। तो जी हाँ, यहाँ पर मैंने इसका कैमरा टेस्ट चैनल पर डाल के रखा है, जाकर जरूर से चेकआउट कर लेना। वैसे मैं आपको डिटेल्स वगैरह इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पर लाभा भाई आपको 50 MP का आपको कैमरा मिलता है, जहां पर क्वाड कैमरा है दोस्तों, 8 MP का अल्ट्रा वाइड है और बाकी आपको 2 MP का दो सेंसर मिलता है। तो अगर कैमरा के हिसाब से देखोगे तो OIS आपको मिल जाता है, जिसकी वजह से इन्फिनिक्स का फोन में वीडियोग्राफी आप काफी अच्छा कर पाते हो, क्योंकि 4K 60 FPS का सपोर्ट आपको मिल जाता है। बाकी OIS में आपको नहीं मिलता है, बट नॉर्मल आप मतलब वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। तो कैमरा के मामले में कहीं ना कहीं यहाँ पर वीडियो में मतलब ज्यादा बेटर आपको फीचर्स दे रहा है भाई इन्फिनिक्स। लेकिन अगर आप सेल्फी देखोगे तो सेल्फी में भी आपको इन्फिनिक्स का फोन में भाई 50 MP का 4K 60 FPS वाला आपको कैमरा मिल जाता है, जो कि काफी बड़ी बात है, इस बजट में नहीं है। लेकिन इन्फिनिक्स भाई यहाँ पर काम भी काफी बढ़िया किया है। लाभा भाई यहाँ पर 16 MP का सेल्फी कैमरा दे रहा है। तो यहाँ पर कैमरा का मामले में अगर आप देखोगे सेंसर वगैरह या फिर जो फीचर्स वगैरह दिया है, वो भाई मतलब इन्फिनिक्स का फोन में ज्यादा बेटर है। बट लाभा का भी कैमरा मैं बकवास नहीं कहूंगा, क्योंकि ये जो वीडियो शूट हो रहा है वो लाभा का भी फोन से शूट हो रहा है, वो भी सेल्फी कैमरा से। तो इसका भी वीडियो सैंपल आप देख सकते हो, इसका भी कैमरा एक्चुअली मुझे काफी अच्छा लगा है, मतलब जिस बजट में आया है उस हिसाब से सही है। तो ये कुछ फर्क आपको दोनों ही फोन में देखने को मिलता है दोस्तों। अब मैं अगर अपना ओपिनियन आपसे शेयर करूं तो मैं आपको कहूंगा भाई ज्यादा बेटर मुझे लगा लाभा का फोन, लेकिन कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि यहाँ पर क्लीन UI मिलता है, अपडेट आपको ज्यादा मिलने वाला है और इसका डिस्प्ले थोड़ा सा कर्व ज्यादा है, तो देखने में ज्यादा बेहतर लगता है। बाकी यहाँ पर बिल्ड भी काफी अच्छा है। और हाँ, एक चीज बताना भूल गया शायद, लाभा का फ्रंट में आपको गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, बट इन्फिनिक्स आपको देता है। लेकिन इन्फिनिक्स भाई कई गुना ज्यादा बेटर फीचर्स दे रहा है, जैसे कि यहाँ पर आपको 144 Hz का रिफ्रेश रेट दे रहा है, OIS दे रहा है, 50 MP का सेल्फी कैमरा दे रहा है, 5000 mAh का बैटरी दे रहा है और भी काफी कुछ बेहतर फीचर्स यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है। वैसे देखो तो भाई दोनों ही फोन मतलब अपना अपना जगह में सही है, बट आपको यहाँ पर कौन सा फोन अच्छा लग रहा है आप मुझे कॉमेंट करके बताना। अपडेट के मामले में थोड़ा सा लाभा बेटर है, तो इसलिए मैं लाभा को यहाँ पर मतलब चूज करूंगा। बाकी आप कौन सा फोन चूज करोगे आप मुझे कॉमेंट करके बताना। अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको हॉनेस्ट ओपिनियन इसी तरीके से मिलता रहेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून and keep watching.